हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आज दिन भर मैं अपने काम में बहुत व्यस्त थी, बट आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ये जो न्यू मून के बाद जो एनर्जी है, आफ्टर सोलर एक्लिप्स जो एनर्जी है, प्लीज़ बता दीजिए। किसी को हैवीनेस लग रही है, किसी को मिसिंग एनर्जी आ रही है, और आप में से बहुत लोगों ने इस वक्त DM के साथ क्या चल रहा है जानने की इच्छा जाहिर करी। सो वेरी लेट इन द नाइट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए जानते हैं। बेसिकली मैं कई टाइम से बता रही हूँ, इस वक्त रीयूनियन की एनर्जी है, तो एनर्जी बहुत जल्दी चेंज नहीं होती है। बट जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है और मैंने एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश की है, तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके DM की बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्यार की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी है, केयर की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिविटी टुवर्ड्स यू। ठीक है, दे वॉन्ट टू लव यू, दे आर एक्चुअली मिसिंग यू। अगर आपको ये एनर्जी आ रही है, दे आर गेटिंग इमोशनल फॉर यू, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन थ्रोट चक्रा अभी भी उस पर हीलिंग चल रही है। ठीक है, लेकिन आपसे देखिए, थ्रोट चक्रा और फियर की एनर्जी, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनर्जी होती है जो कि अभी तक उनकी हील नहीं हुई है, बट उनकी जो हीलिंग है वो ज़बरदस्त चल रही है, ज़बरदस्त। अच्छा, इस एनर्जी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आज अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। हमेशा याद रखिए, बहुत लोग जज करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को कि ये होती है कि नहीं होती है। अपने दिल पे हाथ रखिए, और बिल्कुल ये जर्नी होती है, और आपका पर्सन सिर्फ आपका है। ठीक है, और अगर आप इस एनर्जी से वाइब्रेट करोगे तो बिल्कुल यू कैन अचीव रीयूनियन। पर जब हम चार जगह अलग अलग बातें सुनते हैं तो हम मिसगाइड खुद को करते हैं। अब ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये कलेक्टिव की एनर्जी है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द पर्सनल रीडिंग, बट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे मैच करें। तो आप सिर्फ देखिए आपसे कहाँ तक रेजोनेट कर रही है। सो मेरे दिल की बात ये है कि यू शुड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। दैट्स द रीज़न आई एम सेइंग कि अपने हार्ट पर हाथ रखिए, खुद से पूछिए, जस्ट फॉलो योर गट फीलिंग कि जिसको आप चाहते हो वो, आर यू रियली इन लव विद दैट पर्सन, और आर यू रियली वॉन्टिंग दैट पर्सन। वो आपको लगता है कि वो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है, वो आपके अंदर है, और आपको लगता है कि 100% वो मेरा हिस्सा है, देन यू नो नीड टू जज योर सेल्फ। आप सिर्फ खुद को फॉलो करिए। बहुत से सिखाते हैं हार्ट चक्रा ओपनिंग मेडिटेशन करिए, आपके DM का हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आप अपने भी हार्ट चक्रा पे काम करिए, और चक्रा के मंत्र जाप करिए, उसके कलर कलर की फूड खाइए। बड़े बड़े जूम मीटिंग में मेडिटेशंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक सेकेंड में आपका हार्ट चक्रा हील कर सकती हूँ। अगर आप अपने हार्ट पर ट्रस्ट ही नहीं करते हो, If you are looking the love outside, if you are dependent for the feeling of love from outside, तो आपका हार्ट चक्रा कितनी भी हीलिंग कर लो वो ब्लॉक्ड ही रहेगा। बिकॉज जो लव आप ही के अंदर है उसको आप बाहर दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं होती है। तो दैट्स द रीज़न कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल टूल एक्चुअली, दैट मेक्स यू अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। इस टूल से, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आई मस्ट से अ स्पिरिचुअल टूल, जिसके थ्रू आप अपने अंदर जाके अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म वर्जन, एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म DNA में आप अपने को कन्वर्ट कर लेते हो। But you have to follow your heart. कभी अपने आप से कोई mistake अगर ज़िंदगी में हो गई तो guilt मत करना, shame मत feel करना। This earth planet is a school. Here you are coming for the learning only. अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप भगवान नहीं बन जाओगे। So it's okay.
नो पॉइंट ऑफ एनी शेम और गिल्ट फॉर एनीथिंग. ठीक है. सो सेल्फ लव इज द फर्स्ट की. पहले खुद से प्यार करिए. अपनी लाइफ को ऐसे फ्रेगमेंट्स में बांट दीजिए जहाँ आप इक्वली अपने लाइफ को में बैलेंस कर रहे हो. दैट योर क्रिएटिव साइड, योर स्टडी, योर कैरियर, योर हॉबी, वॉट एवर योर इनर वर्क, योर एक्सरसाइज. अगर आप पेरेंट हो तो आपके बच्चों को टाइम देना या अपनी फैमिली को टाइम देना. तो अपने लाइफ को अगर आप फ्रेगमेंट्स में बांट देते हो एंड यू आर बैलेंसिंग विद दिस, आप कभी भी लाइफ में एक लव की स्कैर्सिटी को फील नहीं करोगे. यू विल नेवर एवर फील बोर एंड मिसिंग, बिकॉज फीलिंग बोर इज अगेन एन इमोशनल ब्लॉकेज. ठीक है. तो आप अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए एंड फोकस इन योर सेल्फ लव, एंड वो आपकी हार्ट चक्र हीलिंग अपने आप हो जाएगी जब आप अब उस प्यार को बाहर ना ढूंढ के अंदर जब खुद से प्यार करोगे ना, तो लोग और आपका डीएम आपकी तरफ खींचे चले आएंगे उस प्यार के लिए, क्योंकि देन यू विल वाइब्रेट विद दैट एनर्जी ऑफ लव. ठीक है. सो इस तरीके से होती है हार्ट चक्र हीलिंग. ओके. सो लेट मी स्टार्ट. मैं बहुत इमोशनल हो गई आज, क्योंकि आज की यू नो एनर्जी है ही इतनी प्यारी कि जो मुझे भी इमोशनल बना रही है. ओके. सो अब आपके डीएम की जो एनर्जी है, जैसे बताया मैंने कि वो आपसे बात करना चाहते हैं. ठीक है, डर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, बट नाउ दे आर गोइंग टू टेक एक्शन. ठीक है. उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस, फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. यू नो कहते थे सडन चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट इन हिज एंड योर लाइफ. बहुत जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में कार्मा क्लियरिंग हो रहे हैं. वो डिवाइन को अब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं. ठीक है. यूनिवर्स की जो भी गाइडेंस उनको मिल रही है, जो कि पहले वो समझते भी नहीं थे, समझ रहे हैं. कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि नहीं, कि अब वो आपकी सिमिलर एनर्जी में वाइब्रेट करने लगे हैं. सो आई कैन से दे आर हीलिंग, दे आर गेटिंग अवेकन. उनके जो भी आपको लेके उनके प्लानिंग्स थे, विजन्स थे, उनको उसकी क्लैरिटी मिल रही है. नाउ बेस्ट चीज़ कि आपके डीएम को अब फेथ, यूनिवर्स की तरफ फेथ आ रहा है. ठीक है. बट दिस टाइम, क्योंकि सोलर एक्लिप्स अभी कल ही निकला है, कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके डीएम की लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी. सो आपके लिए भी एक वार्निंग है कि यू मस्ट बी वेरी मच फोकस ऑन द कर्मा. बेस्ट थिंग तो ये है कि आप अगर डिवाइन से अलाइन रहोगे, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी मोमेंट आप अपने कर्मा पे फोकस रहोगे, तो आपके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है. यू नो जैसे कि मैं सोचती हूँ अपनी लाइफ में पर्सनली कि हे यूनिवर्स, ओ गॉड, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरा हर अगला मोमेंट, मेरा हर अगला स्टेप आपको सरेंडर. यू नो द बेस्ट फॉर मी एंड यू डू द बेस्ट फॉर मी एंड आई हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट ऑन यू एंड आई एम फुल्ली एक्सेप्टिंग वट एवर यू हैव बेस्ट प्लान फॉर मी. सो आप अपनी लाइफ का हर अगला पल, हर अगला आपका स्टेप, आपका हर अगला मूव अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हो ना, तो ये आपके लिए आगे आने वाला टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला ही है. राइट. सो कर्मा के लिए तो डीएम तो खैर बहुत जल्दी जल्दी कर्मा प्ले कर रहे हैं. थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से कम्प्लीटली शट ऑफ हो चुकी है या वो खुद कट ऑफ हो रहे हैं उनसे. दे आर टू रूड एंड टू स्ट्रिक्ट विद द थर्ड पार्टी. ठीक है. और यू कैन सी बहुत बड़े बड़े चेंजेस उनकी लाइफ में अब आएंगे. आप सेंस करेंगे, फील करेंगे, मेजर चेंजेस आर कमिंग इन देयर लाइफ. ठीक है. तो आपको अगर ऐसा कहीं किसी पॉइंट पे लगता है कि देखिए समवेयर इफ़ यू सीन कि बड़ी अच्छी डीपी दिख रही है, एंजॉय करें, तो ये मत सोचिए कि मैम ने तो कहा है कि वहाँ कोई चेंजेस नहीं, वहाँ बहुत सारी चेंजेस चीज़ें आ रहे हैं और ये तो बहुत खुश दिख रहा है. तो क्या आपने डीएम को अब दुखी देखना चाहते हो? नहीं. ठीक है. वो पॉजिटिव हैं, अपनी लाइफ में हो रहे हैं, डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं. यू कैन सी द ग्लो इन देयर फेस. और जो भी सिचुएशन आपको दिख रही है, ज़रूरी नहीं है कि सपोज़
अगर आप आज कनेक्ट करते हो उनसे, वो आपको आपको कनेक्ट करते हैं, या मे बी अभी आप पूरी तरह हील नहीं हुए हो एंड दे आर सेइंग यू कि आई कांट सी माय फ्यूचर विद यू या आई डोंट हैव लव विद यू, सो डोंट थिंक कि जो वो अभी बोल रहे हैं ये करंट स्टेटमेंट जो उनका है दिस इज़ योर डेस्टिनी. ठीक है, ऐसा नहीं है. एनर्जी चेंज होती है, यूनिवर्स तब तक उनका माइंड स्विच ऑन नहीं करता है या उनको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं देता जब तक कि आप अपने आप पे काम नहीं करते हो. तो उनके आज कोई भी इस तरीके के बिहेवियर को आप अपनी, मेरे पास बहुत काउंसलिंग आती है, मैम मेरी बात हुई और उससे कह दिया कि नाउ आई हैव नो इंटरेस्ट, वी कुड बी ओनली फ्रेंड्स एंड हमारे विषय कुछ पॉसिबल नहीं है, मैरिज पॉसिबल नहीं है. तो हाउ कुड यू, योर DM इज़ नॉट गॉड. उसने वो आज बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि मतलब नथिंग इज़ पॉसिबल, मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम. या किसी कारण से कुछ कर्मा अभी या कोई ब्लॉकेजेस है आपकी एनर्जी में और अभी आप नहीं मिल पा रहे हो, तो अभी डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है आपके मिलने का. मीन्स देर इज़ सम ब्लॉकेज, जस्ट क्लियर योर ब्लॉकेज एंड लेट योर एनर्जी फ्लो, तब तो वो चीज़ें होंगी. तो अगर चीज़ें अभी फिजिकल प्लेन पे मैनिफेस्ट नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मिरेकल्स चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं होंगे. यू हैव टू ट्रस्ट गॉड, यू हैव टू कीप पेशेंस एंड हैव फेथ ऑन गॉड एंड नो ब्लेमिंग एनर्जी, नो वांटिंग एनर्जी, सिंपली न्यूट्रल जैसे कि अब तक आप हो. ठीक है, आपको भी प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, पेशेंस रखना है अपनी जर्नी पे, अपने इनर वर्क पे आपको फोकस रहना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है. ठीक है, आपका इनर वर्क बिल्कुल रिजल्ट आपको देगा. ठीक है, बट उनके कोई टेम्प्रेरी कमेंट पे आपको ये नहीं सोच लेना है, डिसहार्टन नहीं होना है कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, सो थोड़ी बहुत अगर कोई हैवी एनर्जी आपको फील हो रही है तो बिकॉज योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू विद द यू नो कार्मिक ट्रिगर्स, या कार्मिक अकाउंट उनका क्लियर हो रहा है, या मे बी वो अभी ट्रांजिशन के फेज में है जहाँ पर लाइक जब आपकी जर्नी पे बिल्कुल मेस था एंड यू आर लाइक योर न्यू रोड इज़ लाइक जब एक नई सड़क बनती है तो बहुत मेस होता है बहुत. तो अभी उनकी लाइफ में उनको क्लैरिटी मिल रही है तो अभी चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं है. तो हो सकता है कि आपको उनकी एनर्जी, उनकी मिसिंग एनर्जी, उनकी पेन की एनर्जी रिसीव होती है, तो आपको वो हैवीनेस को ट्रांसम्यूट करना है अपने मेडिटेशन से. ठीक है, एंड फॉलो योर गट फीलिंग, फॉलो योर हार्ट. आपका प्यार है वो, आपका प्यार गलत नहीं हो सकता. बहुत लोग होते हैं जो कि इस जर्नी को ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, या वो कहते हैं ये फॉरेन के कंसेप्ट हैं. नहीं, जिसने मीठा नहीं खाया वो नहीं जानता है द टेस्ट ऑफ स्वीट. इफ़ यू आर रियली अ ट्रू ट्विन फ्लेम यू विल ऑलवेज फॉलो योर हार्ट. बट मैं वार्निंग दे यू डिवाइन फेमिनेंस को कि प्लीज़ इस वक्त, ठीक है, आफ्टर सोलर एक्लिप्स सैटर्न के से अभी प्लेस चेंज हुई है, आपको कर्मा के लिए बहुत केयरफुल रहना है. बहुत सी डिवाइन फेमिनिन इवन दे यूज टू शो वेरी देयर स्मार्टनेस इन व्हाट्सएप. मुझसे भी आप लोग, आप में से कुछ बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं. तो यू नो अभी आपको अपने पे बहुत काम करना बाकी है. आई कैन सेंस एवरी वंस स्मार्टनेस. वन ऑफ द थिंग आई वॉन्ट टू शेयर, किसी ने मुझे कल कहा कि कल लास्ट डे था मेरी इनर वर्क की डिस्काउंटेड रेट का, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट दिया था. सो शी आस्क कि इसमें कुछ और डिस्काउंट मिल पाएगा. दोस्तों ये बहुत मेहनत से इनर वर्क बनाया था, आई पर्सनली फ्लो माय एनर्जी. सो आप आलू प्याज वेजिटेबल नहीं खरीद रहे हो, प्लीज़ डो रिस्पेक्ट माय एनर्जी एंड डोंट बार्गेन. ठीक है, सो दिस टाइम आई कैन सेंस कि जैसे जैसे आपके DM का ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, ठीक है, उनकी हीलिंग होती जाएगी, they will stand for you, they will take stand for you, they will take stand for themselves. ठीक है, and you know चीज़ें एकदम से change होंगी. I'm telling you, अभी within 2 to 3 months चीज़ें एकदम sudden change होंगी, and in positive note. ठीक है,
कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप इनर वर्क को बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, अपना इनर वर्क ठीक से कर रहे हो, योर इनर वर्क विल नेवर बी वेस्टेड, ट्रस्ट मी। एंड दिस टाइम एक ही टिप दूंगी मैं, सिंपली फॉलो योर हार्ट। इफ़ यू आर इन दिस जर्नी, येस देर इज़ अ जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड यू आर गोइंग टू अचीव रीयूनियन। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।